दोस्तों 1600 मीटर में जब लास्ट राउंड होता है, जब आप पहला राउंड लगाते हो, दूसरा राउंड लगाते हो, फिर तीसरा लगाते हो, और जब लास्ट राउंड होता है वहाँ पर आपके हाथ पैर थक जाते हैं। आप फिनिश में, जब आपका जो फिनिश होता है 200 मीटर 300 मीटर, तब आप खींच नहीं सकते, आपका आपके जो हाथ पैर है बहुत भर जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? तब दोस्तों आपका जो कोर होता है वो कोर कम पड़ जाता है, मतलब आपकी जो पेट में ताकत होती है उसके में उसके बाद यहाँ पर पेट पर ताकत कम पड़ती जाती है। इसलिए आपको पेट में ताकत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोर वर्कआउट करोगे तो आपका कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, आप फिनिश में बहुत अच्छे से आप फिनिश लगा पाओगे। आपके फिनिश में हाथ पैर बहुत भर जाते हैं, आप पैर ही उठा नहीं पाते, आपके हाथ ही नहीं चल सकते। तो यहाँ पर आज हम 1600 मीटर के लिए कोर वर्कआउट किस तरह से करें इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कोर वर्कआउट कैसे करना है। देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक होल्ड करेंगे स्टार्ट। हमें आपको क्या करना है, यहाँ पर पेट को ऊपर उठाना है, फिर से एक दूसरे करना है। सबसे पहला यहाँ पर हम बैक होल्ड करेंगे, बैक होल्ड करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आपको 2 मिनट या तो 1 मिनट के एक सेट, ऐसे आपको 2 सेट करने हैं। इससे आपका जो पेट है यहाँ पर, पेट पर यहाँ पर कोर अच्छे से होता है, यहाँ पर हैमस्ट्रिंग, यहाँ पर कोर अच्छे से बढ़ेगा, तभी आप 1600 मीटर में लास्ट राउंड अच्छे से निकल पाओगे। और अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तभी आपका अच्छे से परफॉर्मेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पर हम साइड प्लैंक करेंगे स्टार्ट। इस तरह से आपको साइड प्लैंक करना है, नीचे यहाँ पर आपको इस तरह से हाथ को एक ऊपर करना है और बॉडी को बिल्कुल इस यहाँ पर पैरेलल रखना है, स्ट्रेट लाइन में रखना है। इससे आपको, और इसके भी आपको 30 या 40 सेकंड का एक सेट एक साइड का, फिर उसके बाद दूसरा साइड, इस तरह से एक सेट करना है। और हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगाएंगे आप, इससे आपका कोर बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर देखो कोर किस तरह खो रहा है। अगर आप 1600 मीटर करते हो तो ये बहुत जरूरी है, आपको वीक में एक या दो बार इस कोर वर्कआउट को करना बहुत जरूरी है। इससे आपका फिनिश अच्छा हो जाता है, आपके हाथ पैर बिल्कुल टाइट नहीं होते। साइड चेंज एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है, रिलैक्स। यहाँ पर दूसरा भी एक्सरसाइज हो गया, फिर उसके बाद हम तीसरा एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हम अपर बॉडी करेंगे, हमें क्या करना है, हाथ स्ट्रेट करना है और स्वयं स्ट्रेट करना है, अपर बॉडी स्टार्ट। तीसरा एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे, और इस एक्सरसाइज से आपका यहाँ पर अपर बॉडी के पेट का जो कोर है यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर आपको एक हाथ स्ट्रेट करना है, उसके बाद अपोजिट वे, सुपरमैन बोलते हैं हम इसे, इस एक्सरसाइज। बाकी आप कैसे हो, आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, इसी तरह से अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हो तो आपका 1600 मीटर का टाइमिंग अच्छे से आ जाएगा, आपकी बॉडी बिल्कुल टाइट नहीं होगी। बाद साइड चेंज करेंगे, जो पहले हाथ रखा था उसके बाद दूसरा हाथ इस तरह से हम स्ट्रेट करेंगे, दोनों साइड का यहाँ पर एक सेट करना चाहिए। सिर्फ एक साइड का करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ सिर्फ एक साइड की बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। दोनों साइड का एक साथ करना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट एक दूसरे करेंगे, यहाँ पर हम प्लैंक होल्ड करेंगे। चलो स्टार्ट। प्लैंक होल्ड इज वेरी बेस्ट एक्सरसाइज,
इससे आपका टोटल बॉडी का कोर बढ़ता है। इससे भी एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। भैरव आपकी बॉडी थोड़ी नीचे है। हमारा भैरव सौरभ है लेकिन उसको भैरव बोलते हैं यहाँ पर। इस एक्सरसाइज के आपको एक मिनट के दो या तीन सेट करने हैं। इसी तरह से सभी एक्सरसाइज आप अच्छे से करना, इससे आपका कोर बहुत अच्छा बढ़ता है, आपकी बॉडी बिल्कुल टाइट नहीं होती, आप 1600 मीटर बहुत अच्छी तरह से लगा पाओगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक जो हमने अभी आज वर्कआउट किया, इसको आप हफ्ते में एक या दो बार जरूर करें, इससे आपका कोर बहुत अच्छे से बढ़ेगा, आपका टाइमिंग भी अच्छा आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।